हेलो स्टूडेंट, क्लासमेट में आपका स्वागत है। मैं आपको आज करूँगा 1.2। 1.2 के अंदर एक मेन फार्मूला बिटवीन द नंबर। तो बिटवीन द नंबर क्या होता है? जैसे 1 और 4 के बिटवीन नंबर, 5 और 6 के बिटवीन नंबर, मतलब बीच के अंदर का नंबर, इसका एक फार्मूला है हमारे पास बिटवीन द नंबर का। वो क्या है? बिटवीन द नंबर, बिटवीन द नंबर का फॉर्मूला है, फर्स्ट नंबर माइनस प्लस सेकेंड नंबर अपॉन 2। अगर यह नहीं लगा से इसका छोटा भी एक है। छोटा क्या है कि फर्स्ट नंबर को a ले लो और सेकेंड नंबर को बी ले लो, बी अपॉन 2। ये बिटवीन द डिस्टेंस का, बिटवीन द नंबर का फॉर्मूला। तो इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, ये 5.2 के अंदर, 1.2 के अंदर इस फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा। ओके, ये फॉर्मूला देखो, बिटवीन द नंबर फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर अपॉन 2, इसको छोटा है ए प्लस बी अपॉन 2। ये तो हो गए आपके फॉर्मूला। अब आपको मैं करा रहा हूँ एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1। राइट 9 रेशनल नंबर बिटवीन द 1 एंड 2। 1 एंड 2 के अंदर, बीच के अंदर 9 रेशनल नंबर बताना है। तो मैंने फॉर्मूला लिखाया था बिटवीन द नंबर, तो अब फॉर्मूला लगा सकते हो। लेकिन आप वो फॉर्मूला लगाओगे तो क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि उसको 9 टाइम करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं तुम्हें सरल मेथड बता रहा हूँ। ये मेथड कब यूज करोगे आप? जब बहुत ज़्यादा रेशनल नंबर पूछ लिया, जैसे 9 पूछ लिया, तो इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर क्या करोगे? कितने रेशनल नंबर पूछा है? 9। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जितने भी रेशनल नंबर पूछा है उसमें क्या करो, 1 प्लस कर दो। ओके, यहाँ 12 पूछा है तो 12 प्लस 1, 13 पूछा है 13 प्लस 1, 10 हो गया। अब किसके बीच में पूछा है? 1 एंड 2 किसके बीच में? 1 एंड 2 मतलब 1 और 2 को 10 से मल्टीप्लाई करना है, डेनोमीटर न्यूमरेटर दोनों से। तो 10 अपॉन 10, इसका जो डेनोमेट नहीं कर रहा तो 1 कर दो उसको। टू अपॉन 1 इंटू 10 अपॉन 10, तो 10 अपॉन 10 एंड 20 अपॉन 10। तो 10 और 20 के बीच में नंबर लिख दो आप, कितने हैं? 9। तो 10 के बाद 10 है तो 11 अपॉन 10, 11 के बाद 12 अपॉन 10, फिर 13 अपॉन 10, 14 अपॉन 10, 15 अपॉन 10, 16 अपॉन 10, 17 अपॉन 10, 18 अपॉन 10, 19 अपॉन 10, 20 अपॉन 10। लेकिन यहाँ तक लेना, आपको ये लेना नहीं है। तो अगेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। तो इस टाइप से आप बड़े बड़े बिटवीन द नंबर कर सकते हो। अगर आप वो फॉर्मूला लगाते हो उसका, मतलब उसको 9 टाइम लिखना पड़ता सारे। तो अगर बड़े बड़े हो तो फॉर्मूला नहीं लगा कर जितना तुम्हें रेशनल नंबर पूछा है इसके अंदर 1 ऐड करके नंबरेटर और डोनोमीटर के अंदर मल्टीप्लाई कर दो। अगर डेनोमीटर नहीं है तो अपॉन 1 कर दो, जैसे इसमें नहीं है। तो मैंने इसको क्या किया, 1 कर दिया। ओके, ये आपके क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया? फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, द फाइंड ए रेशनल नंबर बिटवीन द 1 अपॉन 4 एंड 1 अपॉन 3। इसमें देखो ये कहा नहीं है कि कितने रेशनल नंबर फाइंड करना है, पूछा है क्या? नहीं कहा। इसके अंदर देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था, फाइंड द 9 रेशनल नंबर, या फाइंड द 5 रेशनल नंबर, या फाइंड द 12 रेशनल नंबर, लेकिन इसमें कुछ नहीं कहा आपको।
सिर्फ कह रहा फाइंड आ रेशियल नंबर बिटवीन द 1/4 एंड 1/3। तो आपको ओनली वन नहीं करना है, तो वन करने के लिए हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। फॉर्मूला कौन सा? बिटवीन द डिस्टेंस वाला। सॉन बिटवीन द डिस्टेंस बिटवीन द नंबर, बिटवीन द नंबर का फॉर्मूला क्या है? ए प्लस बी अपॉन टू। यहाँ आप लगा सकते हो फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर अपॉन टू। हाँ देखो दा, यहाँ ये नहीं लगा कर ये भी लगा सकते हो 1/2 ए प्लस, ये भी राइट है। तो 1/2 ए क्या है, ये बी क्या है, ये ए 1/4 और बी है 1/3। तो 1/4 प्लस 1/3, तो इसको सॉल्यूशन करो, 3 और 4 का एलसीएम क्या होगा? 12। 4 और 3 का एलसीएम निकाल के देख लो आप, 3 और 4 तो 2 × 2 × 3 3 × 6 12। 4 की टेबल बोलो 12 आ जाए, 3 × 3 3 की टेबल बोलो 4 × तो 4, तो क्या 1/2 × 3/4 7/12 तो 7/24 ये आंसर है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपके सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर कान कितने थे तो मैं 1 फाइंड किया। अब क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? रिप्रेजेंट दिस नंबर ऑन द नंबर लाइन, मतलब सो नंबर लाइन के अंदर आपको करना है। नंबर लाइन के इधर क्या लिखोगे? फर्स्ट है 7/4, तो एक लाइन करो, तो हमें क्या लिखना है? 7/4। तो आप कुछ भी नंबर ले सकते हो, जैसे 1/4, नीचे वाला 7 होना चाहिए, 2/4, तो के बाद 3/4, 4/4 यहाँ बना जाएगा, ये 5/4, फिर 6/4, यहाँ 7/4 देखो आ गया। तो ये है नंबर, ओके। अब क्वेश्चन नंबर लो आप सेकंड वाला, माइनस का 5/6, तो आप कुछ भी नंबर ले सकते हो जिसका अपॉन में 6 हो। माइनस का 1/6, माइनस का 2/6, माइनस का 3/6, माइनस का 4/6, माइनस का 5/6 ये हो गया। ये हो गया आपके रिप्रेजेंट दिस नंबर ऑन नंबर लाइन, मतलब नंबर लाइन के अंदर आपको शो करना है इसका, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, रिप्रेजेंट माइनस का 2/11, माइनस का 5/11, माइनस का 9/11 ऑन द नंबर लाइन, तुम्हें नंबर लाइन पर लिखना है। तो ये जो 1, 2, 3 है इन सबको नंबर लाइन पर आपको लिखना है, और सबका डायमीटर क्या है? 11। तो लाइन ए और बी, तो माइनस का 1 से लो आप, माइनस का 1/11, माइनस का
टू अपॉन इलेवन, माइनस का थ्री अपॉन इलेवन, माइनस का फोर अपॉन इलेवन, प्लस का फाइव अपॉन इलेवन, सिक्स अपॉन इलेवन, माइनस का सेवन अपॉन इलेवन, एट अपॉन इलेवन, नाइन अपॉन इलेवन सर हो गया। तो अब मैं तीन नंबर ही लेना है। तीन नंबर लेना है कौन कौन सा? एक तो माइनस का टू अपॉन इलेवन कहाँ पर है? ये रहा माइनस का टू अपॉन इलेवन, फिर कहाँ पर है? ये रहा माइनस का फाइव अपॉन इलेवन, फिर ये आपके माइनस का नाइन अपॉन इलेवन। ये आपको नंबर लाइन पर करना है। ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर फोर्थ। राइट फाइव डेसिमल नंबर विच आर स्मॉलेस्ट देन टू, मतलब आपको वो नंबर लिखना है जो टू से छोटे हो। वो भी कितने? फाइव। तो सॉल्व, तो टू से छोटे कितने कितने? एक तो वन, देखो वन, देखो वन जीरो, माइनस का वन, माइनस का टू, माइनस का थ्री, वन टू थ्री फोर फाइव हो गए। तो क्या लिखना आपको? माइनस का थ्री, माइनस का टू, माइनस का वन, जीरो और वन। ये नंबर है जो आपसे, ये हो गया क्वेश्चन नंबर फाइव। क्वेश्चन नंबर फाइव के अंदर क्या पूछा है? दो से छोटे नंबर लिखना है फाइव, तो दो से छोटे तो ये है। तो क्वेश्चन नंबर फाइव तक मैंने आज करा दिया आपको। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको करूँगा सिक्स क्वेश्चन स्टार्ट करूँगा। ओके, ये आपको नोटबुक में करना है।